नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कुछ IAS टॉपर्स की कॉपियों को एनालिसिस करने वाले हैं। मैं पूरा कॉपी ना आपको दिखाने वाला हूँ, ना मैं पूरा कॉपी पढ़ने वाला हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ जो मैंने उन कॉपियों को पढ़ करके सीखा कि हम किस किस विषयों से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के भी ये काम आएगा, तो मुझे लगा एक वीडियो बना करके डालते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम कुछ लोगों की और वीडियो, कुछ लोगों की कॉपियाँ और एनालिसिस करके बताएंगे ये कैसे इन लोगों ने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया है। तो चलिए, आज हम एक IAS टॉपर की कॉपी लेकर के आए हैं। इसमें एक निबंध, ये पहले निबंध है और फिर दूसरा कुछ देर बाद में इसमें कुछ इन्होंने जो GS के पेपर लिखे हैं वो दिखाऊंगा। अब ये ऐसे का पेपर है कि एक ऐसे आया है, अत्यधिक असमानता आय की असमानता से ज़्यादा अवसरों की असमानता है। ठीक है, यानी आय की असमानता को लेकर के एक क्वेश्चन था। उन्होंने देखे किस तरीके से प्रस्तावना को शुरू किया है। इन्होंने भी प्रस्तावना लिखी है संविधान की, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, जैसे जहाँ पर नहीं आता है तो उन्होंने वहाँ पर डैश 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 का इस्तेमाल कर दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पूरी प्रस्तावना शायद किसी को भी याद ना हो। और हालांकि लोअर पीसीएस में तो सीधे प्रस्तावना ही पूछी जा सकती है कि पूरी प्रस्तावना लिखी है, तो इसलिए वो भी याद होना चाहिए। लेकिन इन्होंने किस तरीके से लिखा है, देखिए पूरी प्रस्तावना लिखी और फिर मैं दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कैसे बिल्डअप किया है इसको। और फिर उसके बाद देखिए इन्होंने फिर जब ये इसको बिल्डअप करते लेते हैं प्रस्तावना लिखने के बाद, तो इन्होंने क्या क्या देखिए आप। फिर उन्होंने लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। अब वो वहाँ से आगे जहाँ से प्रस्तावना की बात की गई है, अब वो उस पॉइंट पर आगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर यदि एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि इसमें नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों व उपादनों का एक खाका प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक समता की बात है तो इसमें प्रतिष्ठा व अवसरों की समता का जिक्र किया गया है। अब देखिए उन्होंने कैसे अपनी बात को जोड़ा है। तो यानी उन्होंने क्या किया, लिख तो वो ऐसे रहते थे, उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया, पॉलिटी ऐड कर दिया। ठीक है, फिर कुछ मैं पूरा पढ़ा था, इसमें उन्होंने कहीं कहीं करंट ऐड कर दिया है ना, पॉलिटी करंट, और फिर ज्योग्राफी में किस कंट्री में क्या हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अपने समग्र नॉलेज को दिखाने का प्रयास किया है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने देखिए एक एक और दूसरे ऐसे में उन्होंने क्या किया, जन्म का अपराध, इसी ऐसे में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक किसी का कोटेशन लिख दिया है कि जन्म का अपराध, यदि यह जन्म का अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार हो सकता है। तो ये इन्होंने क्या किया, किसी का कोटेशन डाल दिया है उसी ऐसे को और सुंदर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके की चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। मेरा इस कॉपी को दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप चीज़ों को डाइवर्स बनाएं। ऐसे ऐसे अगर हिंदी में आ रहा है लेकिन आप उसमें पॉलिटी ऐड करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो पॉलिटी दीजिए, करंट मिल रहा है तो करंट लीजिए, कोई गवर्नमेंट रूल है या कोई संविधान की कोई प्रस्तावना या कहीं पे कोई मौलिक अधिकार का उपयोग आप कर सकते हैं तो उसे करने का आप प्रयास करें। अब एक दूसरा ऐसे है और, प्रार्थना करने वाले होंठ से ज़्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कैसे इसको बिल्डअप किया है कि अभी कुछ समय पहले अखबार में एक खबर छपी थी, देखिए इन्होंने इसमें करंट यूज़ कर लिया, ये करंट अफेयर्स यूज़ कर लिया कि अभी कुछ समय पर, इससे ही पता चल गया कि ये अखबार भी पढ़ते हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसा बनाना है कि अभी कुछ समय पहले अखबार में एक खबर छपी हुई थी कि रमजान के पवित्र माह में एक मुस्लिम व्यक्ति रोज़ा रखे हुए था, सर्वविदित है कि इस्लाम धर्म में रोज़ा रखकर अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य ईश्वर को प्रसन्न करना ही होता है, किंतु उस परिस्थिति में भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना रोज़ा इस कारण तोड़ा क्योंकि उसे एक, अब जो है जो भी इसके नीचे लिखा होगा वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, लेकिन ये दिखा रहा है कि एक तो व्यक्ति के मानवीय मूल्य को दिखा रहा है और दूसरा क्या है कि उसके करंट के नॉलेज को दिखा रहा है कि वो करंट चीज़ों को जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत काम आपके आने वाली हैं। फिर देखिए, फिर उन्होंने यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक यूज कर लिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। ठीक है, आपने भी कई बचपन में सुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपना ऐसे देखिए कितना सुंदर बनाने का प्रयास किया है। फिर यहाँ पे एक और इन्होंने एक और कुछ पंक्तियाँ किसी की ऐड करने की, कामिनी में प्रसाद जी ने लिखा है तो उन्होंने वो ऐड कर दिया। तो देखिए कितना डाइवर्स, अभी वो पॉलिटी की बात कर रहे थे, फिर वो करंट पे आए, फिर वो मानवीय मूल्यों को लेकर के आए और फिर अब कामायनी के प्रसाद को लेकर के आ गए। तो आप उनके नॉलेज को देखिए कितना डाइवर्स दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कितने विषयों का ज्ञान है। फिर बीच में संस्कृत का एक श्लोक याद कर श्लोक लिख दिया है, तो इससे क्या होता है, एक तो फिर देखिए फिर एक और श्लोक इसमें यूज़ करने के हैं, साईं के सब जीव हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो व्यक्ति की विषय वस्तु पर पकड़ दिखाई दे रही है और दूसरा उसका विविध ज्ञान, डाइवर्स ज्ञान जो है वो दिखाया जा रहा है। तो इससे ऐसे ऐसे में मार्क्स मिलने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि
पढ़ने वाला व्यक्ति, आपकी कॉपी पढ़ने वाला व्यक्ति पूरे निबंध को पढ़े, आपको ऐसे बांधे रखना है उस व्यक्ति को निबंध से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम करंट जीएस की कॉपियों पे कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं जो प्रकृति में धार्मिक हैं, परिरक्षण कीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने आंसर क्या लिखा है, मैं आंसर को नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखो उन्होंने कैसे चीज़ों को बॉक्स में अंडरलाइन करने का प्रयास किया है। ऐसे में भी आपने देखा होगा उन्होंने चीज़ों को अंडरलाइन किया है। फिर देखिए कैसे चार्ट बनाने का प्रयास किया है, प्राचीन भारत स्थापत्य कला और अन्य कलाएँ। ठीक है, फिर उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है क्वेश्चन को। तो यानी आपको चीज़ें अंडरलाइन करने का भी बेनिफिट मिलेगा, इस प्रकार के चार्ट्स का भी आपको अपने उत्तर लेखन में डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए, बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक प्रवण क्यों है विवेचना कीजिए। अब उन्होंने आंसर क्या लिखा है वो तो विषय वस्तु के अनुसार है, लेकिन देखिए उन्होंने फिर से यहाँ पे एक डायग्राम चक्रवात का बना दिया है। तो कहीं ना कहीं इनके इसमें पाँच नंबर, अगर ये दस नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें इनके एक से दो नंबर प्लस हो गए मान लो आप, इस सिर्फ इस डायग्राम को बनाने से। फिर अंडरलाइन देखिए, संघनन की गुप्त ऊष्मा को अंडरलाइन किया है, हवाओं का पतव्रताकार है, कोरिओलिस, ये सब इम्पॉर्टेंट इन्होंने क्या किया है, जो जो इम्पॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर दिया है और डेफिनेटली उनको इसका फ़ायदा मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे टाइम जोन में परिवर्तन की प्रासंगिकता वो दिखा रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया अपने डायग्राम को, भारत के डायग्राम को यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर आगे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था जहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इनको फिर से एक डायग्राम के एक चार्ट के माध्यम से इन्हें बनाने का प्रयास किया। इसमें आप मैथमेटिक्स का स्टैटिकल डायग्राम यूज़ कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उन्होंने, फिर देखिए अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग के लिए उन्होंने छोटी छोटी नदियों पर, वो छोटी छोटी नदियों को ड्रॉ करके वहीं पर उसे ड्रॉ करने का प्रयास किया है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको जो संभावनाएं हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको अंडरलाइन कर दिया गया है, यहाँ पे भी देखो अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक है, अंडरलाइन करने से कहीं ना कहीं लेखक पढ़ने वाले का व्यक्ति का उस पर ध्यान जाएगा और वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगेगा कि भाई इस व्यक्ति को नॉलेज है। फिर देखिए यहाँ पे वैश्वीकरण के मूल्य के उन्होंने ये एक डायग्राम यूज़ किया है, आर्थिक क्षेत्र में किया तो उन्होंने देखिए कैसे चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया फिर से। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और ये कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे बच्चे अपना उत्तर लिख करके भेज रहे हैं, तो आप इस लिंक के माध्यम से, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लगभग 100 विद्यार्थी हो गए हैं और उनमें से कई विद्यार्थी अपने उत्तर लिखते हैं और बच्चे आपस में एवैल्यूएट करते हैं, एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके अपने उत्तर लेखन शैली को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।